اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا أولوجوا إيمان इन जाकुम फ़ाशकुम बिनाबा इन अगर जाकुम आता है तुम्हारे पास फ़ासिकुन कन को फासक आदमी बिनाबा इन अहम बात लेकर अहम ख़बर लेकर फ़ैयनू तो उसकी बात की छानबीन कर लो तहकी कर लो अन कहीं ऐसा न हो कि तुम तसीबू नुकसान पहुँचा दो कौमन किसी कौम को बे जहातिन जहालत लाजमी में ला, नादानी में फ़तुस बेहो अला मा फ़ाल तुम नादिमीन फतुस बेहो पस हो जाओ तुम अला मा फालतु जो तुमने किया है उस पर नादिमीन नादम से उस पर पशेमान हो जाओ शर्मिंदा हो जाओ वालमु और जान लो अन नफ़ी कुम रसूल अल्लाह के बेशक तुम्हारे दरम्यान है अल्लाह का रसूल लवो यती और कंफ़ी कैफी मिनमरी लव अगर यूती ओकुम तुम्हारी बात मान ले तुम्हारा कहाँ मान ले फ़ी कफी अमरी बहुत से मामलों में बहुत सी बातों में लानित तुम लाम ताक़द करिए आनित तुम के माने तुम मशक्कत में पड़ जाओ मुश्किल में पड़ जाओ वरा किन् ने हब बाबाकुमान तुम्हारी ईमान को पसंदीदा बना दिया है वजयन हुफ़ी ूबिकुम और को मज़ैन कर दिया है खूबसूरत कर दिया है फीलू भी तुम तुम्हारे दिलों में पकड़ रहा और तुम्हें नापसंद कर दिया है तुम्हारे लिए कमकुफरा कुफ़र को वलफसू और नाफ़रमानी को वल इसियान वलफूक़ा और गुना को वल एसियार और नाफ़रमानी कोलाराशिदूँ उलाए के ही वो लोग हैं जो राशिदून हदायत याफ्ता है हदायत पाने वाले हैं फज्लम्मीन अल्लाम यह अल्लाह का फ़जल उसकी नेमत है हकीम और ला खूब जानने वाला हमत वाला है आयत नंबर छः से आठ तक की तिलावत और तर्जमा पेश किया गया है फरम्ता अल्लाह या युह लदीन आमनु वो लोग जो ईमान लाए हो इन जाब इन फ़तबैन अगर तुम्हारे पास को फासक आदमी ख़बर लेकर आता है तो उसकी तहक़ीक कर लो इस आयत से लेकर अब आगे अल्लाह तला अगली आयात में लोगों के एक दूसरे के साथ जो मामला होने चाहिए उस हवाले से तालीमत देता है और वो चीज़ें कि जो आपस के तल्ल को ख़राब करने का जरिया बनती हैं माहौल में किसी ख़राबी का फसाद का जरिया बनती हैं ऐसी चीज़ों से मना किया तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र किया कि झूठी अफवाहें गलत अफवाहें गलत अफवाहों को सुनना उन पर कान धरना और उन अफवाहों पर रद्द करना उस पर कोई एक्शन लेना उससे एक उसके जो नुकसान होते हैं तुफ माया के अय वो लोगों जो ईमान लाए हो यहाँ पर भी ईमान वालों के इस अंदाज से या इस लफ्ज से मुखातब करने के अंदर क्या है कि खूस हमें मुखातब किया गया ईमान वालों को हमारे ईमान के तकाजे से कि अगर तुम ममन हो तो अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करो हुक्म क्या है इन जाकुम फाश कुम अगर तुम्हारे पास कोई फासक आदमी आता है अहम बात लेकर फासिक कौन होता है फासक याफ्सकू अरबी में किसी चीज़ से निकल जाना किसी चीज़ से निकल जाना उसको फ़सक कहते हैं उसी से फरखु के चूजा अंडे से निकल आया फासा कल फर्क हो कि चूदा अंडे से निकल आया जब चूजा पैदा होता है निकलता है अंडे से तो उसको फंसा कल फर्क हो कि चूजा अंडे से निकल आया इसी तरह से जो आदमी अल्लाह की इताज से निकलता है उसको भी फांसे कहा जाता है असल यह है कि इंसान अल्लाह का मुती हो अल्लाह का फन बरदार हो अल्लाह के हुक्म के साथ चले उसके दायरे में रहे उससे बाहर ना निकले, लेकिन जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है वो क्या है अल्लाह के इताद से बाहर निकल जाता है अल्लाह के इताद के दायरे से निकल जाता है तो फिर उसको फासिक कहा गया ये इसका लुक भी माना और इस इसलाही तौर पर इस असलाही तौर पर जो किसी कबीरा कभ गुना का मर्तकब हो कबीरा गा बड़े गुना जो है कबीरा गुना करने वाले को फासिक कहा जाता है या जो किसी सगीरा गुना पर ही अगर जो गुना छोटा ही है लेकिन उस पर मुसर है उसको मुसलसल करता चला जा रहा है छोड़ता नहीं है तो ये फासिक है <coughs> यानी या तो किसी कबीरा गुना के इरतकब करने वाले को या छोटे गुनाहों पर ही मुसलसल जारी रहने वाले को फासिक कहा जाता है क्योंकि वह भी अल्लाह की इदात से निकला हुआ है और बाज़ात फ़ासी का लफ कुरान अपने काफ़र पर भी इस्तेमाल होता है कुरान करीम में बाद जगहों पर फास् का लफ इस्तेमाल हुआ है ऐसे शख्स पर जो वैसे ही काफ़र हो असल तो जिसने हमने बताया असलाही तौर तो पर फास् का लफ़ उस मुसलमान के लिए इस्तेमाल होता है जो अब मोमन है मुसलमान है लेकिन मुसलमान होने के बावजूद किसी कबीरा बड़े गुना का इरतका करता है तो इस लिहाज से वो अल्लाह की इताज से निकल जाता है लेकिन बाद फफज जो है वो काफिल के लिए इस्तेमाल होता है जिस तरह के था माता है एक आयत में क्या फरमाया कि अफ़मन का ना मीन का मन का ना फास्क क्या पसवो शख्स जो ईमान वाला है क्या उसकी तरह है जो फासफ है तो यहाँ पर ला ने फास का लफज किसके मदे मुकाबले इस्तेमाल किया मोमन के तो मोमन के मदे मुकाबले कौन होता है वह काफिल होता है इसलिए बात फिसक अकबर होता है और बात फिसक असबर होता है फिसक अकबर जो कुफर तक पहुंचा देता है और जो हकीकी मनों में अल्लाह की इताब से निकलना है और अगर किसी मखसूस हुक्म में अल्लाह की नाफरमानी की है कोबीरा गुना का अरतिक किया है तो वो बिल्कुल तो नहीं अल्लाह के अकाम से निकला लेकिन इस हुक्म से निकलने की वजह से फासक करार दिया गया तो यह फ़ासक तो अगर तुम्हारे पास कोई फास्क आता है बिना बा इन नबा क्या होता है कोई अहम खबर हर बात को नबा नहीं कहा जाता नबा के बारे में जिस तरह के लोगों को लमह का कहना है कि ऐसी बात को कहा जाता है कि जिसका कोई बड़ा मकसद हो जिसके पीछे कोई बड़ा फ़ायदा हो फायदे से मुराद यानी उसको मालूम करना ज़रूरी हो तो उसको नबा का नाम दिया जाता है और इसी से लफ्ज़ नबी है नबी किससे है नबा से कि जो अहम बातें अहम खबरें बताता है लोगों को तुम्हारा के अगर तुम्हारे पास कोई फासक आदमी आता है नाकबिल एतबार आदमी कोई अहम ख़बर लेकर तो क्या करो फिर फतेह उसकी बात की छानबीन कर लो तहकी कर लो उसको ऐसे ही ना ले लो फासक की खबर को फासक की बात को वैसे ही कबूल ना कर लो बल्कि उसकी बात की तहक़ीक करो उसकी छानबीन करो कि कहाँ तक सही या गलत है क्योंकि जो फासक है अल्लाह का नाफरमान है वो झूठ भी बोल सकता है जो फासक है उससे हर तरह की नाफरमानी होना मुमकन है एक आदमी नेक मुत्तकी है परहेजगार है हर बात कहते हुए सोच समझ कर कहता है कि बात कहां तक सही या गलत है हर काम करते हुए उसको देखता है कि कहाँ तक ये काम यानी कि अल्लाह को राज़ी करने वाला या नाराज़ करने वाला है क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का डर खौफ है लेकिन जब फासिक होता है नाफरमान तो उसके दिल में कोई अल्लाह का डर खौफ नहीं होता या कम होता है तो चुनाचे वो फिर झूठी बात भी कह सकता है गलत बयानी कर सकता है तो इस माया कि अगर फासिक आदमी कोई ख़बर लेकर आता है तो उसकी खबर की छानबीन कर लो तहक़ीक़ कर लो किस लिए आगे अल्लाह ने फ़ासक की ख़बर उसकी बात पर अमल करने का नतीजा बयान किया है फासक आदमी झूठा आदमी को आके बात बताता है गलत बात कहता है और उसकी बात को बग़ैर किसी तहक़ीक के कबूल कर लिया तो उसका नतीजा क्या हो सकता है अल्लाह माता है अंतुसीबु तो कौम बहला अंतुसीबु, तसीबू के मानी पहुँचा दो नुकसान पहुँचा दो कौमन किसी कौम को कौम से मुराद को एक शख्स भी हो सकता है कोई जमात हो, को हो सकती है कोई ज़्यादा थोड़े लोग हो सकते हैं कोई भी तो ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को किसी शख्स को नुकसान पहुंचा दो बिजारतिन लाआलमी में नादानी में फतस्ल तुम नदमीन और अगर लामी नादानी में किसी का नुकसान किया तो फिर क्या होता है आदमी उस पर परेशान होता है पशेमान होता है शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या किया इससे पहले कि परेशानी का पशेमानी का शिकार हो निदामत का शिकार हो उससे पहले ही फासक आदमी की बात की छानबीन कर लो तहकी कर लो कि कहाँ तक उसकी बात सही है या गलत है हमें आयद के अलफ से तो यह पता चला कि नाकबिल एतबार आदमी फास्क व फाजर आदमी उसकी बात को बिला तहकीकबूल नहीं करना चाहिए और उसकी बात को बिला तहकी करना कबूल करना क्या है जहालत है क्या है फमाय तुसि तसीब कौम अम्बी जहा कि तुम किसी कौम को नुकसान दे बैठो जहालत से नादानी से तो फ़ासक की ख़बर को बिला तहकी कबूल कर लेना जहालत है लाली है नादानी है और जिस तरह हमने फ़ासक का जिक्र किया वो फासक कोई भी हो सकता है जिसकी ये सिफत हो कि अल्लाह की नाफरमानी झूठ बोलना कोई इस तरह के क़बीरा गुनाहों का इरतकब करना चाहे वो कोई दीन से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो या सिरे से बेदीन हो कैसा भी शख्स क्यों ना हो तो इस फिस फिस्क वाली चीज़ जो है ये चीज़ किसी इंसान के अंदर भी हो सकती है तो जो भी इस तरह का शख्स वो नाकबिल एतबार हो उसकी बात को वैसे कबूल न कर लो जब तक तहक़ीक़ न कर लो क्योंकि तो तहक़ीक़ के बग़ैर अगर तुम उसकी बात कबूल करोगे उसके रद्दमल करोगे उस पर तो फिर क्या होगा फिर किसी का नुकसान कर बैठोगे और पता चलेगा ये नुकसान इसका नहीं होना चाहिए था इसका हकदार नहीं था और फिर तुमको शर्मिंदगी हो यानी फर्ज करो कि मुझे कोई आगे बताता है कि फला आदमी ने आपको गाली दी है अब मैं उठता हूं और जाते साथ उसको थप्पड़ लगा देता हूं वो कहता भाई क्या वक़ाया तो है मैं कहूँ कि आपने मुझे गाली दी है कि मैं तो आपको कोई गाली नहीं दी मैंने कोई तो ऐसी चीज नहीं की तो जब मुझे पता चलेगा कि उसने तो कोई ऐसी बात नहीं कही गाली नहीं दी तो जब उसको थप्पड़ लगाऊंगा तो उसका नतीजा क्या होगा शर्मिंदगी भी होगी दुश्मनी भी पैदा होगी और क्या क्या दिल दूर होंगे अदावतें पैदा होंगी तो इसलिए ये बहुत अहम अदब सिखाया गया है बहुत बड़ा अदब सिखाया गया माशरे के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ मामला को चलाते हुए किस अंदाज से किस किस तरह ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मामला कैसे करें कि हर खबर को हर बात को कबूल न करें और फासर की खबर को कबूल करना जहारत की दरीर है किसी आदमी के जाहिर होने की दरील है चाहे वो इल्म का दावेदार हो जो हर बात सुनी सुनाई लेकर उस पर अमल करता करना शुरू कर देता उसको कबूल कर लेता उसके जाहिर होने की दरीर है और हम बता रहे थे कि यह तो आयत के जाहिर अल्फाज हैं और इसका उल्ट माना क्या है मफहूम इसका क्या है कि अगर आदमी फासिक नहीं है मुतकी नेक परहेजगार आदमी है तो हमें उसकी बात को उसकी तहकी करने की जरूरत नहीं है यानी इसका माना ये नहीं कि हम हर आदमी की बात के पीछे पड़े कि बात कहाँ से कर रहा है कहाँ से लाया है उसकी तहकी करें अगर ये बात करना शुरू कर दें तो फिर हमें जिंदा रहना मुश्किल हो जाए क्योंकि इंसान का हर रोज हर वक्त तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है तो अगर तो आदमी सही है अच्छा आदमी है नेक आदमी है कोई बुरा आदमी नहीं है झूठा आदमी नहीं है तो हम उसकी बात को बगैर तहकीक के भी कबूल कर सकते हैं लेकिन अगर पता है कि झूठा आदमी है तो उसकी बात पर तहकीक करने की ज़रूरत है और खसूस ऐसी बात कि जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो सकता हो जहाँ पर किसी के नुकसान होने का इम्कान हो जिस मैंने अभी मिसाल दी है और बल्कि इससे बढ़कर मिसालें मौजूद हैं कि पता चला कि फला बादशाह को पता चला कि फला आदमी आपके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है तख्ता की वह हुकूमत के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है अब बादशाह बगैर सोचे समझे अपना लश्कर फौज भेज दे जाओ उन लोगों को जाके उनका किला कमा कर दो उनको ख़त्म कर दो और बाद में पता चले कोई ऐसी बात थी ही नहीं तो ये नुकसान उससे बढ़कर इसलिए इस चीज के बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं और इस ऐत की तफसीर में वाक़ का जिक्र किया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम था वलीदबिन अकबा उसको आपने बनी मुस्तक एक कबीला था अरबों का तो आपने उनकी तरफ भेजा उसको वहाँ उनसे ज़क़ात वसूल करने के लिए तो ये शख्स जाता है और इनकी जिस तरह के रवायात में आता है कि इस्लाम से पहले से ही इस बन मुस्तक़ के कबीले की और वलीदन अकबा के कबीले की दोनों कबीलों की आपस में मुखालफत दुश्मनी थी तो जब ये उनके कबीले के करीब पहुँचता है तो आगे कबीले वाले लोग निकलते हैं इसके इस्तेबाल करने के लिए इस तरह की रवायात में आता है और आमतौर पर उस वक़्त लोग जब किसी के इस्तबाल करने के लिए निकलते तो कैसे निकलते थे अपने असले हथियार साथ लेकर रसूल करीम वसल्लम भी जब हेत करते हुए मदीना पहुँचे तो मदीना के लोग अपने असले लेकर आपके इस्तबाल के लिए निकले हुए तो अपने असले लेकर निकले इसके इस्तबाल करने के लिए लेकिन इसके दिल में क्या आया कि शायद ये लोग मुझे पतल करने के लिए निकले हैं तो चुनाचे ये वहीं से वापस आ गया मदीना और आके आप सर बताया कि इस इस तरह से उन लोगों ने जक़ात देने से इनकार किया है और बल्कि मुझे कतल करने की कोशिश की थी अब रसूल ने जिस तरह की रिवायत में है खालिद बिन खारिदी रजील्ला तु की क्यादत में एक लश्कर तैयार किया और कहा कि जाओ जाके मालूमत लो कि बाकी उन लोगों ने जक़ात देने से इनकार किया है और जक़ात देने से अगर इनकार करने का माना कुफर है मर्तद होना है फिर उनके खिलाफ जंग की जाएगी तो खाली अपनी फौज लेकर लश्कर लेकर निकलते हैं उनके कबीले की तरफ तो क्या देखते हैं कि वो भी अपनी बस्ती से निकले हुए आ रहे थे रस्ते में रस्ते में उनकी मुलाकात होगी तो पूछा उनसे भी तुम कहाँ जा रहे हो कहा कि हम मदीना जा रहे हैं किस लिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था कि तुम सदक़े ज़कवा़त के माल इकट्ठे करो मैं तुम्हारे पास आदि भेजूँगा और वो तुमसे ले लेगा वो वक़्त गुजर गया लेकिन आदमी नहीं आया तो हम इसलिए अपना जक़ात का माल कमाल लेकर आप सदन के पास जा रहे हैं तो खालिद वली ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हुए कि ये क्या मामला है तो खैर कहने का मकसद ये वाक़ बयान किया जाता है और ये वाक़ सनत के अतबार से ज़यीफ़ है इसकी कई के, के रवायतें हैं कई संदों से इसकी रवायत किया जाता है और सभी ही संदें इसकी ज़यीफ और कमज़ोर हैं इसलिए इस वाके का उस पर इतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि सदर के अतबार सही नहीं है और दूसरा वैसे भी कि इसके इस, इस वाक़े को सही मानने का माना क्या होगा कि वलीद मकबा जो साहब रसूल है उसको फासिक कहना क्योंकि में लाने दो टोक तौर पर फासिक का नाम दिया है तो उस पर उसको दो टोक तौर पर फासिक करार दिया जाना जबकि आयत में और किसी सही हदीस में कोई ऐसा जिक्र नहीं कि ये आयत किसके बारे में है बल्कि जो कुरान का कायदा कुरिया है वो ये है कि आयत आम है एक आम तालीम है अल्लाह की तरफ से हर मुसलमान के लिए कि वो किसी भी ऐसे आदमी की बात कबूल न करे जो नाकबिल एतवार हो फास हो क्योंकि उसकी बात कबूल करने के नतीजे में क्या है तरह तरह के फसादा पैदा हो सकते हैं तो इसलिए एक आम तालीम दी गई है मुसलमानों को ना के किसी ख़ास शख्स का वाक़ है ना उसका ज़िक्र आया है तो दूसरी चीज़ ये भी इसमें अल्लाह तहबा क़राम के बारे में कुरान करीम में कई एक जगहों पर उनका तजिया किया है और उन पर राज़ी होने का ऐलान किया है रज़ी अल्लाम अल्लाह उन पर राज़ी हो गया और इस तरह की चीज़ें तो अल्लाह ताला के उस हुक्म के खिलाफ है उन आयतों के खिलाफ है ये चीज़ और तीसरी बात कि सिर्फ एक शक की बुनियाद पर एक ज़ीफ़ कमज़ोर रवायत की बुनियाद पर किसी सहाबी के ऊपर फिसक का इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है समझे ना कि ऐसी रवायत जो सही नहीं है काबिल एतबार नहीं है उस उन, उसकी रवायत की बुनियाद पर किसी सहाबी को फांसल करार देना बहुत बड़ी बहुत अजीब बात है और फिर मजीद ये भी बल्कि एक रिवायत के अंदर आता है इसी सहाबी की रवायत है वरीद मेंकबा की फरमाते हैं कि नबी करीम मक्का में आए मक्का के मौका पर, तो औरतें अपने बच्चे लेकर मक्का मक्की औरतें अपने बच्चे लेकर आई तो आप बच्चों के हाँ, सरों पर हाथ फेरते तो कहते मेरी माँ भी मुझको लेकर आई लेकिन मुझे एक ख़ास किस्म का इतर था वो लगा हुआ था तो इसी अल्लाह के रबीम मेरे सर पर हाथ ना फेरा अब ये रवायत अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या मिलता है के नबीर जब आपने मक्का फतह किया है आठ हिजरी को जिसके दो साल बाद आप सब फौत हो जाते हैं उस वक्त ये सहाबी ये आदमी अभी बच्चा है तो कैसे अल्लाह के रबीम इस आदमी को सद के इस बच्चे को जो है अभी बच्चा है इसको सद के खराब रहने के भेजे यानी इस तरह तो की बहुत सी चीजें फिर मजीद भी बाज़ल ने कहा है कि अगर ये वाक़ हम इसको लेते भी हैं तब भी नबी करीम का किसी आदमी को सद के वसूल करने के लिए भेजना किस बात की दर है कि आदमी अल्लाह के नबीम के यहाँ काबिल अतबार है अगर कुफास को फास्को फाजर आदमी होता तो नामुकिन था कि अल्लाह के नबीम सद के खैरत वसूल करने के लिए ऐसे आदमी भेजते कि जहाँ पर माल का मामला है आमानदारी की ज़रूरत है क्योंकि बेईमान आदमी वो सिर्फ बात ही झूठी नहीं करता वो माल के अंदर भी ऊँची कर सकता है तो खैर बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो इस वाक़ के सही ना होने की दलीलें हैं इसलिए हम कहेंगे कि आयत आम है हर शख्स के लिए एक आम तालीम अल्लाह ने दी है कि किसी भी नाकबिल एतबार शख्स की एक बात को उस वक़्त तकबूल ना करो जब तक उसकी बात का तहकीक न कर लो छानबीन न कर लो कि कहाँ तक इसकी बात सही है या गलत है क्योंकि उसकी बात को कबूल करने का माना क्या है कि तुम उस पर रद्द करोगे कोई एक्शन लोगे और मुकर रहे जब एक्शन लो तो किसी का नुकसान कर बैठो और फिर बाद में तुमको पता चले कि कोई ऐसी बात थी ही नहीं और बात झूठी थी और उस पर फिर तुम अपने किए हुए पर शर्मिंदगी शर्मिंदा हो उस नुकसान का जो किया है उस पर आपको शर्मिंदगी हो तो ये आम तालीम है जो अल्लाह ने मुसलमानों को दी है और ये तालीम हर चीज़ के अंदर दुनियावी मामलों के अंदर भी लोगों के साथ एक दूसरे के साथ और बल्कि न कि सिर्फ फासक आदमी की बात पर कान धर कर इस तरफ के अफवाहों को लेकर कोई एक्शन करना बल्कि असल तो हमें तालीम क्या है असल तालीम क्या है कि हम किसी भी मुसलमान के बारे में कोई बात सुनते हैं उसके बारे में हुसन जन का शुमार जन रखें उसके बारे में अच्छा गुमान रखें चाहे बात उसकी जाहिर ऐसी नजर आती हो जिसमें कोई बुराई का पहलू हो या आपका नुकसान का पहलू भी हो तब भी उससे उसने जन रखना उससे अच्छा गुमान रखने का हुक्म दिया गया है चाहे जय के फाज आदमी की बात कबूल करके उस पर कुमल किया जाए तो यह वो चीज़ है कि जो मुआशे की बर्बादी का सब बनती है और इसे बहुत बड़े फितने खड़े होते हैं तो बात कर रहे थे कि ये चीज़ चाहे दुनिया के मामले में हो लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मामला करते हुए ऐसी बातें कार उन पर कान धरना अफवाहों पर कार धरना ये बहुत बड़ी सब तबाही का फसाद का जरिया है और इससे बढ़कर अगर ये बात दीन के मामले में है अगर ये बात दीन के मामले में है तो और भी ज़्यादा इसकी ताकद करने की तहकी करने की जरूरत है अगर एक नाकबलेतबार आदमी की बात हम दुनियावी मामला में कबूल ना करें ताकि कुछ साथ पैदा ना हो तो चे जाए कि दीन के मामले में एक जाहिल आदमी है जिसको दीन का इल्म नहीं है और नाकबिल शख्स है वो आके को हमें को मसला बताता है को बात कहता है तो उसकी बात कबूल ना की जाए जब तक देखा ना जाए कि इसकी बात की हकीकत क्या है इसके पास क्या दलील है किस बुनियाद पर ये बात कर रहा है और इसी कायदे कुलए की बुनियाद पर उलमा ने मुहदसिन ने हदीस के उलमा ने जिन रावियों की हदीस कबूल की जाती है उनकी शर्तें मुकर की कि हर रावी हर हदीस को रवायत करने वाले की हर हदीस नहीं जाए बल्कि उसके लिए एक मैार मुकर किया और उस मैार में, में सबसे अहम बात क्या रखी कि हदीस का रावी अजल हो यानी सही मुसलमान हो फास फास ना हो झूठा ना हो अगर झूठ बोलने वाला है तो उसकी हदीस मरदूद है नाकाबले कबूल है अगर चे उसका झूठ लोगों की बात के अंदर भी क्यों ना हो समझे ना सिर्फ ये नहीं कि पता चले कि अल्लाह के नबी अल्ला की हदीस में झूठ बोल रहा है अगर पता चले कि आदमी झूठा आदमी है झूठ बोलता है आम बातचीत के अंदर लोगों के बातचीत के अंदर भी तब भी ने उसकी हदीस को रद्द करने का हुक्म दिया है कि ऐसे शख्स की हदीस भी कबूल न की जाए चाहे उसका झूठ लोगों के साथ ही क्यों ना हो लोगों की बातों में क्यों ना हो क्योंकि झूठ दो तरह के हैं एक है कि किसी आदमी का दूसरे के साथ झूठ बोला अपने दुनियावी मामला के अंदर और दूसरा झूठ किसी दीन के हवाले से अल्लाह उसके असूल पर कोई ऐसी बात लगा दी जो उनकी बात नहीं है और ये दूसरा झूठ जो दीन के हवाले से असल ख़तरनाक ये है दुनियावी तौर पर झूठ जो है ठीक है उसको झूठ बोल के किसी का नुकसान कर दे के माली तौर पर किसी का हक जो उसका बनता है आप ले लेंगे कोई उस तरह की चीज़ हो जाएगी लेकिन दीन का झूठ जो है अल्लाह उसके असूर की तरफ बात मनसूब करके झूठी बात मनसूब करके लोगों को ये गुमराही है जिस गुमराही के नतीजे में हमेशा हमेश की जहनम है और झूठ बोलने वाले का भी इंजाम क्या है अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगहों पर मन अबालमन अल्लाह उससे बढ़कर कौन ालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और नबी अकबर साहब ने क्या फरमाया मन मनका जबादन फ़ल तबादार जान बूझ कर झूठी बात कहता है मैंने बात नहीं कही और मेरी तरफ ऐसी बात मनसूख करता है कि जो झूठी हो मेरी ना हो अपना ठिकाना वो जहन्नम में बना दे। और दें और इसलिए सख्त ही दें क्योंकि दीन में अल्लाह उसके असूल के बारे में झूठ जो है वो आम लोगों की तरह का झूठ नहीं है आम लोगों के झूठ में जैसा जिक्र किया कोई थोड़ा बहुत माली नुकसान को जारी नुकसान हो सकता है लेकिन अल्लाह के दीन के बारे में झूठ के जहाँ पर दीन बर्बाद होता है शरीय ख़राब होती है और जिस दीन की बर्बादी हमेशा हमेशा की वजह से हमेशा हमेश की जहनम मिल सकती है तो इसलिए वहाँ पर सख्त वायद है तो बात कर रहे थे कि इसलिए नेमामाय मुहद्सिन नेमाय हदीफ ने कायद कनीय जिक्र रखे रखे इस चीज के कि हदीस के शराबी की कबूल की जाएगी तो चनाचे अगर रावी झूठा है या काबिल एतबार नहीं है या झूठा जानबूझ का तो झूठ नहीं बोलता लेकिन उसकी याददाश्त सही नहीं है हाफजा उसका कमज़ोर है बात कुछ सुनता है आगे कुछ और बयान करता है जानबूझ कर नहीं बदलता लेकिन हाफजा कमज़ोर होने की वजह से तो जब इस तरह की बातें भी ने देखी तो ऐसे रावियों की हदीसों को भी रद्द कर दिया कबूल नहीं किया चाहे उसने जानबूझ के झूठ नहीं भी बोला तब भी उसके हदीस को कबूल नहीं किया कि जो इस तरह से गलती का शिकार हो तो कहने का मकसद ये बहुत बड़ी तालीम है जो मुसलमानों को दी गई है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स कि जो एतबार हो फास्को फाजर आदमी हो झूठा आदमी हो को बात लेकर आता है कोई ख़बर लेकर आता है तो उसकी बात की तहकीक कर लो फबैन तबयन का लफ्ज किससे है बयान होने से और बयान होना मानी किसी चीज़ का वाजे हो जाना किसी चीज़ का वाजे हो जाना उसकी तहक़ीक़ कर लेना तो जब तक उसकी तहकीक़ न कर लो उसको अच्छी तरह वाजे न कर लो उस वक़्त तक उसकी बात न कबूर करो अंत उसी वो कौम बिजहाल के ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को जहालत میں नादानी में कोई नुकसान और तुस्वी हो अला फाल तुम नादीमीन और फिर तुम अपने किए हुए पर जो है शर्मिंदा हो जाओ उसके बाद म्याल करें बलम्नफीक रसूल और जान लो कि बेशक तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है जब पिछली आयत में अल्लाह ने फासक आदमी की बात रद्द करने उसको कबूल न करने का हुक्म दिया तुम्हें कि जान लो कि तुम्हारे दरम्यान अल्लाह का रसूल है अब साहबा को इस बात को कहने की जरूरत थी क्या साहबा को पता नहीं था कि अल्लाह के नबी हमारे दरम्यान है पता है इस बात का लेकिन बात इस तरह की बात कही जाती है लोगों को तोज्जो दिलाने के लिए एहसास दिलाने के लिए पता तो है अल्लाह के नबी हमारे दरम्यान है लेकिन बात ये आप सरमियान में होना यह जेन से दिल दिमाग से निकल जाता है इसका ख्याल नहीं रहता इस पर तवज्जो नहीं होती और जिस पर तवज्जो ना होने की वजह से फिर क्या होता है कि आदमी बात अपनी ही मर्जी से अपनी मनमानी से कोई बात कह देता है किसी मसले में किसी बात में अपनी मर्जी चला लेता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो आप अल्लाह तौर सुन कि जान लो कि अल्लाह का नबी तुम्हारे दरम्यान है और आप सब सबका दरम्यान होने का माना कि तुमको हर चीज़ अल्लाह के नबी की आपसे पूछ कर करने की ज़रूरत है यानी फर्ज करे कि बाप घर में मौजूद है तो बेटे बच्चे और बाप समझदार है और बच्चे भी छोटे हैं ना समझ हैं फ़र्ज करो तो उनका क्या फर्ज बनता है कि बाप से पूछ कर काम करें उससे मशवरा लें किसी काम करते हुए भी जब तक वो किसी काम को ना कहे उस वक्त तक ना करें तो अगर आम आदमी जो बाप की हैसियत रखता है उसका ये मुकाम है घर के अंदर तो ये चे जाए कि नबी करीम सल रसल, कि आप कौन हैं अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के भेजे हुए हैं अल्लाह के चुने हुए हैं और आपकी जो बात है वो क्या है अल्लाह की तरफ से वही है हमा हवा इन वाह यू हा आप जो भी बात करते हैं अपनी मर्जी मनमानी से नहीं करते बल्कि अल्लाह की वही से करते हैं तो इसमें इस बात की तालीम दी गई मुसलमान को कि जान लो कि अल्लाह के नबी तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारा होने का माना कि तुम्हारी हर बात अल्लाह के नबी के उनसे पूछ कर हो उनके तरीके पर हो उनकी सुन्नत पर हो अपनी मनमानी से ना हो ना अपनी मनमानी करो अपनी मर्जी चलाओ और ना ही किसी और की बात को आपकी बात पर मुकदम कर दो बल्कि आपके पीछे चलो ना कि आप सरसन को अपने पीछे चलाओ क्योंकि जब इंसान आपकी सुन्नत पर अमल नहीं करता तो वो क्या करता है कि आपके आगे चल चल चला चल जाता है और आपको पीछे चलाता है चलाता है हमने पहले याद में पढ़ा है शुरू की तुम्हें तो कि जान लो कि अल्लाह के रबी तुम्हारे दरमियान है लव युतीफ़ी कफीर मिलम तो इससे पहले के आगे चले अन नफ़ी कुमर रसूल अल्लाह रसूल साम को अल्लाह का रसूल कहना इसमें भी एक बहुत गहरा माना हमारे लिए वो क्या है कि आपकी हैसीयत क्या है आपको आम शख्स नहीं है आप अल्लाह के भेजे हुए हैं अल्लाह के भेजे हुए हैं और जो शख्स किसी का भेजा होता है उसकी अहमियत उसकी कदर मंजिलत भी उसी कदर होती है जो भेजने वाले की है समझे ना एक आम आदमी किसी दूसरे आदमी को भेजता है आपकी तरफ आप कहोगे भाई ठीक है मुश्किल नहीं वो आदमी यानी कि एक आम है आदमी है उसकी वो कदर व नहीं है एक बड़ा आदमी वो आपके पास किसी आदमी को भेजता है अगर चाहे भेजा जाने वाला मामूली शख्स भी कौन होगा आप उसको देखोगे कि फला बड़े आदमी का भेजा हुआ है उसकी इज्जत करोगे अहतराम करोगे क्यों किस लिए कि भेजने वाला बड़ा है तो अगर हम लोगों के लिहाज से इस चीज़ को जानते हैं तो रसूल करीम सल वसम को किसने भेजा है अल्लाह ने तो इसमें आलमफ़ीक रसूल अल्लाह के जान लो कि तुम अल्लाह का रसूल है आप सलासलम अपनी जात से थे जब तक जिंदा थे और फौत होने के बाद आप सल अपनी हदीस और सुन्नत से हैं। क्या तक के लिए आपकी सुन्नत, आपकी हदीस मौजूद है मुसलमान का फर्ज बनता है कि हर बात में हर चीज में आपकी सुन्नत को देखे आपकी सुन्नत के आप की इतबा करे आपकी हदीस को देखे ना कि अपनी मनमानी करे फूती अमर तुम अब रसूल करीमल व्लम का लोगों के दरमियान होने का फ़ायदा क्या है अमातः लो यूती अगर वो आपकी तुम्हारा तुम लोगों की बात मान ले तुम्हारी इताद कर ले फी कफी बहुत से कामों में ला अनित तुम लाम ताक़द के लिए कि यकीन जरूर अनिल तुम के मारी तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ मुश्किल में पड़ जाओ वो कैसे पहली बात तो हर इंसान हर आदमी की बातें मुख्तलफ होती हैं अल्लाह के नबीम को अल्लाह ने हुक्म दिया मशाविर हम फिर अमर कि कोई अहम काम हो तो अपने सहाबा साथियों से मशवरा कर लिया करो मशवरा करने का हुक्म दिया अब जब मशवरे लिए जाते, जाते, जाते हैं मशवरे होते हैं तो क्या सभी का एक ही होता है हाँ मुंकरमाते हो लेकिन अक्सर अक्सर वेशतर मुख्तलिफ होते हैं किसी किराए कुछ होती है किसी दूसरे किराए कुछ होती है अब रसूल के सलाम हो या कोई भी शख्स हो मशवर लेने के बाद हर एक की बात को लेना मुमकिन ही होता हाँ उसमें किसी की बात देखी जाती है कि जो ज़्यादा सही है वो ली जाती है बाकी एक बात छोड़ी जाती है इसे मायतें लो युति और कुंफी कसीर में अमरी अगर आप तुम्हारी बहुत सी बातें मान लें तुम्हारी बहुत सी बातों पर अमर कर लें लानित तो तुम तो यकीन ज़रूर तुम मुश्किल में पड़ जाओ तुम ज़रूर मुश्किल में पड़ जाओ कि आपके तो एक तो ये तो कि तुम्हारी बातें अपने ख्याल से होंगी अपनी राय से होंगी और वो राय गलत हो सकती है और दूसरी बात के लोगों की बातें अलग अलग मुख्तलि हैं जिनको जमा करना मुमकन नहीं है जबकि रसूल करीम अलैहि वसल्लम की जो बात होती है अल्लाह के वही के साथ होती है आप सल वम जो फैसला करेंगे आप की तरफ से जो हुक्म होगा वो अल्लाह के वही के साथ होगा और कोई शक नहीं के अल्लाह ताली के वही के अंदर जो हमत है जो इंसान की बेहतरी बधाई है क्योंकि अल्लाह जानता है कि खैर किस में है हम नहीं जानते हम नहीं जानते हम तो बाद अपनी नाक़ शक्ल के साथ देखते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए इसमें बेहतरी है लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है कि बेहतरी किस में है भलाई किस में है तो इसी माया ने कि जान लो कि अल्लाह के रबी तुम्हारे दरमियान है अगर वो तुम्हारी बहुत सी बातें मान लें तो जरूरत मुशक्क़त में पड़ जाओ मुश्किल में पड़ जाओ इसमें क्या तालीम दी गई इसमें इस बात की तालीम दी गई कि आप से मशवरा आप मशवरा तो तुमसे करेंगे मशवरा दो आपको लेकिन अपनी बातों को ना मनवाओ बल्कि आपकी बात मानो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश ना करो क्योंकि अपनी बातें मनवाओगे तुम्हारी बातें गलत हो सकती हैं हमत के खिलाफ हो सकती हैं जिसका तुमको नुकसान होगा मुश्किल में पड़ जाओगे और आपकी बात मानोगे आपकी बात अल्लाह की वही के साथ होती है और अल्लाह ताला मोमन के लिए जो मुकद्दर करता है जो हुक्म देता है उसमें उसके लिए खैर होती है वला किन्ब बाबा इकमान अल्लाह तमाता है कि बात तो यह है कि अल्लाह के नबी तुम्हारे दरम्यान है और उनकी बात मानो ना कि अपनी बातें मनवाओ लेकिन साहब इक्राम कौन है सच्चा ममून कौन होता है अल्लाह ने उसके बाद उसकी निशानदेही की कि सच्चा ममून कौन है वला किनल्ला के अल्लाह तब मोहब्बत पैदा कर दी इले को तुम्हारे लिए अली ईमान मोहब्बत ईमान की तुम्हारे लिए ईमान को पसंदीदा बना दिया ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी वजयूफी गुरुब ही कुम और इस ईमान को तुम्हारे दिलों की जीनत बना दिया इस दिलों को इस ईमान को तुम्हारे दिलों में जमा दिया मुजैन कर दिया तुम्हारे दिलों की जीनत बना दिया तो सहाब इक्राम और नेक आदमी नेक मुतकी कौन होता है कि जिसका ये अंदाज़ होता है कि वो अपनी बातें मनवाने के बजाय अल्लाह के उसके असूल की बात मानता है क्यों मानता है क्योंकि उसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है अल्लाह के नबी की मोहब्बत है अलाक बाबा इम ईमान का मान ने यहाँ पर क्या किया है कि ईमान से मुराद अल्लाह के नबी की इतात है आपकी इतबा है आपकी मोहब्बत है कि आपकी इताद की, की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बिठा दी है इसलिए तुम वही काम करते हो जो अल्लाह के नबी का हुक्म होता है जो अल्लाह के नबी की मर्ज़ी के मुताबिक होता है वही चीज़ करते हो तुम्हारे अल्लाह ने तार्लाकिन लेकिन अल ते हब्बाब आईकुम ईमान ईमान को तुम्हारे लिए पसंदीदा बना दिया है वजय नूफ़ी कुम और उसको तुम्हारे दिलों की जीनत बना दिया है तुम्हारे दिलों में उसको जमा दिया है दिल में ईमान बैठ गया है दिल में अल्लाह के नबी की सच्ची एताद पैदा हो गई है वह कर रहा इलेक्मकुफ्र बल फसूख व वल आशियान ईमान के दिल में बैठ जाने मोहब्बत पैदा हो जाने के नतीजे में क्या है कर रहा इलेक्मकुफ्र तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया किस को कुफर को बलफसूख़ और गुनाहों को वल आशियान और नाफरमानी को ये तीन चीज़ें और तीनों स्टेप बाई स्टेप हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या है कुफर है कि वैसे ही इनकार वैसे ही झुटला देना उसके बाद क्या है उससे हल्का फसूक नाफरमानी गुना को बड़ा गुना और एहसी आम छोटे मोटे गुना तो अल्लाह तला आतम है कि जो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान को मजयन कर दिया है खूबसूरत बना दिया है दिलों में ईमान को जमा दिया है इसके नतीजे में क्या है अब तुमको कुफर से नफरत है कुफर के कामों से नफरत है काफर से नफरत है और मल्फसूक और गुनाहों से नफरत है बुरा से गुनाह करने को दिल नहीं चाहता गुनाह पर दिल नहीं जमता किसी गुनाह के काम पर करने को दिल नहीं चाहता ऐसी यार बड़े गुनाह तो बड़े हत्या के छोटी रफरमानिया भी छोटे गुनाह भी उसको भी करने को दिल नहीं चाहता किस किस बात की दरीर है ईमान की दरीर हत्या आखिर आगे, आगे लड़के मैं उलायकुर हाँ यही वो लोग हैं जो कौन है हम और राशिदून हम की यहां पर जमीर फसल के जिसका माना खास करना और राशिदून का माना राशि किससे बोला रुश्त और रुश्त के मानी हम अक्सर बेष्टर कहते हैं रिश्तो रुष्ट, हदायत तो रुश्दो हदायत दोनों मुतराद लफ्ज हैं तो यही वो लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं हदायत पाने वाले हैं कौन कि जिनके दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा होगी दिल में ईमान बैठ गया मुजिन हो गया और कुफर से नफरत गुनाहों से नफ़रत और नाफरमानियों से नफ़रत पैदा होगी ये कौन है यही वो लोग हैं जो हदायत याफ्ता है सबसे पहले तो यह आए इक्राम के बारे में है क्योंकि स्याको सबाक ये है कि जिसमें अल्लाह ने सहबा की अदमत बयान की है कि सहाबा कौन है वो तो अल्लाह के नबी की मखालफत नहीं करते वो आपके साथ चलते हैं आपकी इतात करते हैं क्यों उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है अल्लाह के नबी की सच्ची इतात है तो जिस वजह से वो वही काम करते हैं जो अल्लाह को राज़ी करने वाला हो और कुफर से अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहते हैं और फिर उसके बाद क्यामत तक आने वाले हर मोमन मुसलमान का उसके लिए ईमान को जांचने का पैमाना दिया गया याद जो है बड़ी अहम आयत है ईमान को जांचने का ईमान को देखने का पैमाना स्केल दिया गया कि आप अपने ईमान को कैसे चेक करो कि ईमान के कौन से दर्जे पर हो आपके दिल में कितना ईमान है वो कैसे पता चलेगा कि जब ईमान से मोहब्बत है नेकी से मोहब्बत है अल्लाह के नबी की इतात करने में जज्बा है उसका जज्बा है आपकी इतवा करने का जज्बा है और गुनाहों से नफरत है आपकी नाफरमानी से नफरत है आपकी सुन्नत को छोड़ छोड़ने में उसकी मुखालफत करने में नफरत है कुफर के गुनाहों के कामों से नफरत है तो ये ईमान की दरीर है सच्चे मोमन की दरीर है जिस कदर किसी के दिल में नेकी की मोहब्बत है अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत है उनकी सच्ची इतात है उनके हुक्म पर चलने की जज्बा है उसी कदर ईमान ज्यादा ऊंचा है बड़ा है और जिस कदर किसी के दिल में आपकी सुन्नत की मोहब्बत नहीं है हदीस के खिलाफ औरों की बातें अपनी मनमानिया अपनी मर्जी अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में औरों को खड़ा कर देना किसी गुनाह को करने पर दिल चाहना गुनाह पर दिल के जमना और गुनाह को गुनाह महसूस न करना इस बात की दलियर है ईमान की कमजोरी की और बाकात ईमान के ना होने की दलील है तो हकीकत में आयत जो है जिस मैंने मदद किया है कि अल्लाह ने स्केल दिया है पैमाना दिया है जिससे एक आदमी अपने ईमान का जायज़ा ले सकता है कि अगर नेकी में दिल चाहता है दिल लगता है नेकी के पचलने में नेकी का काम करने में चाहे वो नेकी किसी तरह की क्यों ना हो और सबसे बड़ी नेकी अकीदा है तोहीद है अल्लाह उसके असूल की सच्ची इतात है इस पर दिल जमता है अल्लाह की इबादत में दिल जमता है अल्लाह के दीन को सीखने में दिल जमता है इलम हासिल करने में दिल करता है दिल चाहता है कि ये काम करूं, दिल जमता है इस चीज पर नमाज पढ़ने में कुरान की तिलावत करने में जिक्र करने में दिल लगता है और इस पर इस तरह के काम करके खुशी महसूस होती है दिल मुतमिन होता है नेकी का काम करके दिल मुतम होता है खुशी महसूस होती है और चाहता है कि मैं और करूं, और जब नेकी का वक्त ख़त्म होता है कोई तो दिल चाहता है कि काश के मजीद और आगे मौका मिल जाता रमजान खत्म होता है जिनके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत होती है अल्लाह की उसके रसूल की सच्ची इताद का जज्बा होता है नेकी का जज्बा होता है तो क्या चाहते हैं उनको रमज़ान को छोड़ना रमजान का ख़त्म होना उनके लिए आसान नहीं होता उनके लिए बहुत जिस तरह के आपका कोई अजीज को करीबी को दोस्त हो उसको छोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है किस लिए कि नेकी से मोहब्बत है नेकी का जज्बा है तो अगर ये चीज़ है तो ईमान की दरीर है और जिस कदर ये चीज़ ज़्यादा है उसी कदर ईमान के ज्यादा होने की दरीर है हाँ बशर्ते कि वो नेकी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबक हो बिदात ना हो क्योंकि बालकात शैतान को बित मुजिन करके इंसान को पेश करता है कुछ शिर के बिदाद के काम कर रहा होता है और बड़ा उस पर दिल उसका जमता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं बात कर रहे हैं जो हकी की है कि जो अल्लाह के लिए खालिस हो अल्लाह के नबी के सुन्नत के मुताबिक हो उसको करने में दिल लगता है खुशी होती है मनसरत हो हसनत हो आप सरमाया कि जिसको नेकी करने में खुशी हो और बुराई करके उसको, उसको उस पर उसका दिल न जमे उसके दिल में तंगी महसूस हो तो किस बात की दरियर है? है उसके मोमन होने की दरिया है उसके ईमान की दरीर है और अगर इससे मुद्द मुकाबल, दर्श में आने को दिल नहीं करता पढ़ने को दिल नहीं चाहता बैठ भी गया तो तब भी बेदिली के साथ कोई तोज्जो ही नहीं कोई ख्याल ही नहीं नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो कोई दिल लगी ही नहीं पैदा काम उलसलात काम कोसारा जिस तरह ने मुनाफों के बारे में फ़माया है खड़े होते हैं नमाज के लिए बड़ी सुस्ती काहरी के साथ कोई दिल नहीं लगता कोई भी ने की तलावत करना कुरान करीम को शुरू की कोई तोज्जो नहीं कोई ख्याल नहीं कोई दिल में कोई जज्बा नहीं तो थो, थोड़े कुछ रहते पढ़ के दिल उगता जाता है अगर ये बातें हैं और उसके मुकाबले में गुनाह का, का काम करने में कोई म्यूजिक गाने को फिल्में को ड्रामे को आजकल के मोबाइलों पर फेसबुक यूट्यूब पर इस तरह की चीज़ों को देखने देखते चले जाए वहाँ से वहाँ उगता ही नहीं उसको देखते हुए जो बुरे मंजर जो बेहूद की इस तरह की बातें सुनते चले जाए इन पर दिल जमता है तो फिर दिलों के इलाज की जरूरत है फिर दिल में गुनाह है नाफरमानी है और बल्कि मुकर है कुफर हो फिर ईमान नहीं है इसलिए इस तरह किया है कि इस आयत को समझने की ज़रूरत है कि आयत अल्लाह ने हमको पैमाना दिया है अपने आप को जांचने का तो क्या पैमाना है वाल बाबा इम ईमान लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंदीदा बना दिया है वजय फी कलूबी को तुम्हारे दिलों के उसको जीरो बना दिया है बकर्राहमनकुफ़र अवर फसूक़ अवैसियान और तुम्हारे लिए कुफर को गुनाह को और नाफरमानियों को नापसंदीदा कर दिया है चाहे वो किसी भी अंदाज़ से हो चाहे कही जाने वाली बातें हों चाहे किने की जाने वाले को आमान हो या दिल के बुरे ख्याल कुछ भी हो राशिदून रहमत होलाशिदिन कि यही वो लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं कि जिनको ईमान से नेकी से मोहब्बत है उफर गुना से नफरत है आगिफ मै फतमी बन हम अब ये चीज कैसे मिलती है कहाँ से मिलती है कौन देता है ये अल्ला अल्लाह का फजल है और उसकी नमत है ये अल्लाह के फजल उसकी नमत से मिलती है मिलती उसको है जो हम पहले पढ़ चुके हैं किसको उलायक लदी हाँ बोला तकवा उनको मिलती है कि जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा नेकी के लिए चुन लिया होता है आज़मा लिया होता है उनको मिलती है तो अल्लाह देखता है दिलों को कि कौन इस नेकी को पाने के काबिल है किसका दिल इस लायक है तो अल्लाह तला उस पर अपना फजल करता है उसको अपनी ये नमत देता है और देखता है किसका दिल टेढ़ा है दिल में पहले ही कोई तासब चढ़ा हुआ है पहले ही कोई हरदर्मी है कि हम फलाह होते हैं हम अल्लाह होते हैं सुनतों की मुखालफें हैं कुरान हदीस की दुश्मनी है अल्लाह फिर ऐसे बदबखतों को नेकियों से महरूम करता है तो मत फजलिन असल अल्लाह का फजल है असल अल्लाह की नेमत हो तो ये नेमत है असल अल्लाह की फ़जल उसकी नेमत ये है कौन सी कि जिसको नेकी की मिल गई बुराई से नफरत पैदा होगी ईमान की महब्बत पैदा होगी कुफर बेईमानी से उसका दिल उचाट हो गया असल अल्लाह के उसका फजल उसकी नेमत यह है मानो दौलत दुनिया के वसायल नमत नहीं असल नेमत यह ये है यह व लमिनल्लामा ये अल्लाह का फजल उसकी नेमत है और मिलती उसी को है वल्लाहु अलीम हकीम अल्लाह बड़ा ही जानने वाला हमत वाला है जानता है कौन इसके लायक है हमत वाला है जिसको देता अपनी हकमत के तहत देता है जिसको नहीं देता उसको भी उसमें भी अल्लाह ताली की हिमत होती है कि इसको क्यों नहीं दिया क्योंकि उसके लायक नहीं है इसलिए ज़रूरत है अपने दिलों को तक़वे निकी के हासिल करने के काबिल बनाने की अपने दिलों को ईमान के ईमान के लिए तैयार करने की ताकि दिलों में ईमान आ सके दिलों में ईमान जागुजी हो सके दिलों में ईमान जमें ईमान की मोहब्बत पैदा हो जाए और गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए अपने दिलों को इस काबिल बनाने की ज़रूरत है ताकि अल्लाह का ये फ़जल उसकी नेमत हमको मिल सके इसलिए ज़रूरत है जैसे बताया है कि इस आयत को समझते हुए अपने दिलों को तकव नेकी के लिए तैयार करने की अल्लाह की इस नेमत को इस फजल को पाने के लिए अपने आप को इसके लिए तैयार करने की दोबारा देखिए आज कहते हैं या यो लदीन आम या वो लोगों जो ईमान लाए हो इनजाकुम्फ़ाशुम बनबा अगर तुम्हारे पास कोई फासक आदमी को तो अहम बात लेकर आता है ख़बर लेकर आता है फ़तब अनूत तो उसकी बात की छानबीन कर लो तहकी कर लो अंत वो कौम बिजहाल कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी कौम को किसी आदमी को किसी शख्स को नुकसान पहुँचा दो बिजालत नादानी लाइलमी से फुस् भी हो तुम नादमीन फिर तुम अपने कीहो पर शर्मिंदा हो जाओ तुस् हो जाओ अला माफालतुम उस पर जो तुमने किया है नादमीन जमा नादिम की उस पर शर्मिंदा हो जाओ नादम हो जाओ मैं आलमूँ और जान लो अन नफ़ीक रसूल अल्लाह के बेशक अल्लाह के रसूल नबी अच्छा साहब आपके दरम्या हैं लो युति वकूफ़ी कसिर मिल अमर अगर वो तुम्हारी बात मान लें बहुत से मामलत में बहुत से कामों में लिनि तुम तो ज़रूर तुम मुश्किल में पड़ जाओ बला किल्ला हब्बा आलैक मिलईमान लेकिन तुम्हारी मुज़ैन करते महब्बत पैदा करती तुम्हारे दिलों में ईमान की बजयन नूफ़ी क़लूब तुम और तुम्हारे दिलों के उसको जीत बना दिया बकर रहा इलीक मिलकुफ़ रवालफो अवल एसीान और तुम्हारे लिए नापसंदीदा कर दिया कुफर को गुनाह को और नाफ़रमानी कोलाय कहमराशिदूर यही वो लोग हैं जो हदयात है याफ्तः हैं फ़ल अम्मीनल वन ये ईमान का मिल जाना कुफर फसूक़ से नाफा नाफरमानी से दूर हो जाना नफरत पैदा हो जाना ये क्या है अल्लाह का फदल और उसकी नियमत है अल्लाह आलिहम और जानने वाला हिमत वाला है इससे पहले दर्श खत्म करे वालमनफीकम रसूल्ला जान लो कि तुम्हारे दरम्यान अल्लाह का रसूल है है ना आज भी क्या ख्याल है अल्लाह है तुम्हारे सामने आए थे वाहम जान लो तम कर भी करके कि तुम्हारे दरम्यान अल्लाह का रसूल है आप बताइए फिर हाँ जी अल्लाह मानता है कि तुम्हारे दरम्यान अल्लाह का रसूल है इसका माना कि अल्लाह का रसूल हर वक्त हर जगह पर मौजूद है हाजिर नाजर है हाँ जी यही ना हमारे अकीदा लोगों का फिर क्या है यानी ये आयत अगर आपको कोई लाकर दिख कहीं भी इस आयत का अल्लाह ताला खुद फरमाता है तुम कैसे इसका इनकार करते हो तो इसका माना कि फिर उसके बाद खत्म हो गए उसके बाद आयत का हुक्म खत्म हो गया वो okay, कहे पूछे आपसे भी क्या दलील है आपकी वाहमनफी कुमर रसूल अल्ला तुम्हारे दरम्याण अल्लाह का रसूल है हदीस नहीं है कुरान के अल्फाज ये हैं हाँ साहबा ने कामल क्या किया दलील है

नहीं अगर को कहे भी आज भी अल्लाह के नबी मौजूद है तो फिर इसी तरह से है सबसे पहले हम उससे पूछेंगे कि तुम जो कर रहे हो अल्लाह के नबी से पूछ कर कर रहे हो अल्लाह ने साहबा को ये फरमाया ना कि जब अल्लाह के नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद है तो इसका माना क्या है कि अल्लाह के नबी से पूछ कर करो तुम जो मिलाद बना रहे हो बताओ जरा कि अल्लाह के नबी से कब तुमने पूछा है हाँ जी अल्लाह के रभी तुम कहते हो ना मौजूद है तो बताओ तुमने कब पूछा आपसे कोई रिकॉर्डिंग को सुनाओ क्या आप सर समझ तुम्हारी बातचीत हुई हम भी सुने कि तुमने आपसे पूछा हो और आपने आप आप तुमको कहा हो कि मिलाद बनाओ भी कमी बताओ या सुनाओ आपकी बातें रिकॉर्डिंग सुना दो को इस तरह की चीज रिकॉर्ड की है तुमने समझे ना इसलिए जिस तरह के भाई जवाब देते रहे हैं कुछ इसमें कि आप सल्म अपनी जात से मौजूद थे साहबा के दरमियान जब तक आप जिंदा थे फौत होने के बाद साहबा ने आपको दफन कब्र में दफन किया मट्टी के लिए दफन किया और फौत हो गए अल्लाह के पास जा पहुँचे समझे ना दुनिया से आपका आपका जिस्म का ताल्लुक ताल्लुक कट गया समझे ना लेकिन आपका असल जो लाया हुआ दीन था मकसद था आपका दुनिया में आने का वो बाकी रह गया और वो क्या है आपकी सुन्नत है आपकी हदीस है यानी सहाबा कराम आपकी जिंदगी में भी आपकी तरफ क्यों लौट लौटते थे आपकी तरफ क्यों आते थे आपकी सुन्नत मालूम करने के लिए समझे ना? आपकी तरफ आने का हुक्म क्यों था आपसे पूछने का हुक्म क्यों था कि आपकी सुन्नत मालूम की जाए और वो सुन्नत जो साहबा कराम को मालूम करने का हुक्म था वह सुनत आज भी मौजूद है समझे ना वह सुनत आप क्यामत तक्री छोड़कर गए हैं तरक्तूफी कुम अम रही मैं तुमको दो चीज़ छोड़ तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रहा हूँ अल्लाह का कुरान और मेरी सुनत है तो इसलिए वो सुन्नत जो आप सहाबाक कराम जिस की तरफ लौटते थे आपकी ज़िंदगी में आपके पास जाकर वो सुन्नत मालूम करते थे वो सुन्नत आपके बाद भी क्या मत बाकी है तो इसलिए आपका हमारे दरमियान होने का माना आपकी सुनत से मौजूद होना ना कि आपकी जात से और आपकी जात से क्यों नहीं क्योंकि सहाबा इक्राम ने आपको फौत होने के बाद दफन किया और सभी का सभी साहबा के इस बात का अकीदा था कि नबी करीमला साहब दुनिया से जा चुके हैं अपनी ज़ात से अब हमारे दरमियान नहीं हैं इसलिए कभी भी उनको कोई मसला पेश आता कोई दीन का मसला होता या दुनिया का होता तो अल्लाह के नबी से मशवरा करते थे फौत होने के बाद जब तक आप जिंदा थे आपसे पूछते थे मशवरा करते थे आप फौत होने के बाद कोई आपसे मश्रे किए हूँ कि अल्लाह के नबी ये, ये मसला खड़ा हो गया बताइए हम आप यहाँ पर क्या करें कोई ऐसा की बात कहने का मकसद ये है कि सहबा इक्राम ने आपके साथ मामला कैसा किया जब तक आप मौजूद थे दुनिया में जिंदा थे उस वक़्त तक आपके साथ मामला कैसा रहा आपके दुनिया से जाने के बाद सहाबा इक्राम का मामला कैसा था कि जिस चीज़ में आपकी साफ़ तालीमत हैं आपके, है, आपके हदीस को ले लिया जहाँ आपकी कोई दो टोक तालीमत नहीं थी वहाँ पर फिर उन्होंने कुरान और हदीस से इतहाद किया आपसे मशवरी किया आपकी कब्र पर आकर नहीं पूछा कि अल्लाह के नबी यह मसला पेश आ गया आप बताइए कि हम क्या करें ना? वो है इस तरह की बातें तो हमें लाकर दिखाए कि साहबा आप आपकी कब्र पर आके आपसे मशे करते आपसे है के वा मु रसूल का माना आप अपनी से थे दरम्यान जब तक आप जिंदा थे फौत होने के बाद आप लोगों के दरमियान है अपनी सुन्नत के साथ अपनी हदीस के साथ ना, ना कि अपनी बार फीक